इस वीडियो में हम प्रेरणा डीबीटी ऐप का प्रयोग करते हुए किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां कौन हमें ध्यान रखनी है, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमने डाउनलोड कर ली है, प्ले स्टोर में ऐप आ गई है, उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन करके आते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। इस इंटरफेस में जैसे ही हम डीबीटी वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जब हम जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ नेक्स्ट हमें टीचर्स की डिटेल देखने को मिलती है। ये डिटेल हमें देखने को मिलती है टीचर्स की, तो इसी डिटेल्स पे मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ कि जब हम ये डिटेल्स देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ टीचर्स का HRMS कोड यहाँ शून्य प्रदर्शित हो रहा होता है। तो ऐप में यहाँ कोई भी हमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है अभी तक का, इन फ्यूचर दे तो कह नहीं सकते कि जिससे हम टीचर की HRMS जो कोड है उसको एडिट कर सकें, इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ शून्य है तो कोई बात नहीं है, इस पर हमें फोकस नहीं करना है, शून्य है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर होता है फ़ोन नंबर का। यदि यह फ़ोन नंबर सही है, क्योंकि OTP फ़ोन नंबर पर ही आना है, मानव संपदा ID पर नहीं आना है, OTP सही होना चाहिए। ये जो टीचर्स की डिटेल दी गई हैं इसको हम समझ लें, यहाँ केवल उन टीचर्स की डिटेल दी गई है जो इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। हु कैन एक्सेस दिस ऐप, ये उन टीचर्स की डिटेल यहाँ शो हो रही है, यानी कि इस स्कूल में इन फ़ोन नंबर्स के द्वारा ये टीचर्स उसको, यानी कि ये फ़ोन, यानी कि वो व्यक्ति जिनके पास ये वाला फ़ोन नंबर है जो इसमें दिया गया है, वो इस ऐप को एक्सेस कर सकता है उस स्कूल के नाम पर। ठीक है, तो जैसे ही हम देखते हैं इसमें, जब हम इससे आगे जाएं, तो ये मेरी सलाह है कि जिन टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है उनको डिलीट कर दें, जो नए आए हैं उनको इसमें ऐड कर दें। तो इस बात का आप ध्यान रखें, उनको डिलीट करें जो चले गए हैं, उनको ऐड करें जो आए हैं। इसमें रेफरेंस जो EHRMS कोड है उसके लिए एडिट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कभी आप ये सोचो इसको डिलीट करके हम दूसरा ऐड कर दें तो ये आपका हो सकता है सोचना, मगर ऐसा ना करें। केवल ये एक्सेस करने के लिए दिया गया है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस फ़ोन नंबर के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जिनका फ़ोन नंबर सही है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऐप को, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। फ़ोन नंबर गलत है तो उसमें इनवैलिड यूज़र आएगा। ठीक है, उसी के बाद जब हम ये कर लें उसके बाद ही हम नेक्स्ट जाएं। इसमें नेक्स्ट जो उपरोक्त सारा उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर दिया गया है, तभी हम आगे जाएं जब हम ये देख लें। यानी कि इसमें कोड शून्य है तो इसमें कोई कोड गलत है, शून्य है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल इसलिए मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा हमें सबसे ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है कि हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा ड्रॉपआउट और वेरीफाई। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देते हैं टीचर्स की डिटेल वेरीफाई करने के बाद, तो यहाँ बच्चे जितने हमारे स्कूल में बच्चे हैं वो शो हो रहे होते हैं, जितने नामांकन हमारा किया हुआ है। यदि नामांकन कम शो हो रहा है तो आप पोर्टल पर देख लें, प्रेरणा पोर्टल पर कितना, यदि फीड नहीं है, ये अभी थोड़ा कम डिटेल उठा रहा है, तो उसको देख लें। यहाँ वेरीफाई करने से पहले, यानी कि यहाँ वेरीफाई करेंगे आप स्टूडेंट को और यहाँ ड्रॉप आउट करेंगे। वेरीफाई और ड्रॉप आउट का ये मीनिंग है, वेरीफाई यानी हमें जो बच्चे अपने स्कूल में रखने हैं जो प्रेजेंट हैं उन बच्चों का वेरीफाई करना है। यहाँ डिटेल गलत हो सकती है, यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, ये आगे सही की जाएंगी, यहाँ इनको सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ केवल दो ऑप्शन है, वेरीफाई और ड्रॉप आउट। तो आप देखोगे कि जब हमने वेरीफाई कर दिया है तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ये यहाँ से घट जाएगा और ऊपर वेरीफाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, मगर इस वेरीफाई करने से पहले, क्योंकि हमें वेरीफाई ज़्यादा करने हैं, ड्रॉप आउट कम करने हैं, ड्रॉप आउट कम ही नहीं कि हमें नाम काटना, हटाना अपने स्कूल से, अपने SR से हटाना, तो सबसे पहले हमें उन बच्चों का ध्यान रखना है, उन्हीं बच्चों की लिस्ट लें जिनको हमें हटाना है, और उन बच्चों को हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप आउट कर देंगे।
जैसे ही हम ड्रॉप आउट का यहाँ प्लेस करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको हटाना चाहते हैं या नहीं। उसके जो ऑप्शन आएंगे वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शन आपके सामने आएंगे। उसके बाद सभी बच्चों को वेरीफाई करने के बाद, जब हमने ड्रॉप आउट सारे बच्चे निकाल दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट, जो ये बटन आप देख रहे होंगे नेक्स्ट का बटन, इस पे क्लिक करना है और आगे चले जाना है। यानी कि हमारे बच्चे वेरीफाई हो गए हैं। उसके बाद हमें टीचर्स, जिस भी टीचर्स को जो क्लास देनी है वो उनको अलॉट कर देंगे और उस में हम विवरण भरेंगे। विवरण कैसे भरते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये शुरुआती कुछ हमारी सावधानियां हैं जो हमें रखनी है DBT का काम शुरू करने के दौरान, जो हमें शुरुआती सावधानियां हैं वो इसमें